धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानी देखनी है तो आप उत्तराखंड के ऋषिकेश में जन्मी अंजना से मिलिए। ये कहने को तो बिना हाथों के जन्मी है, यानी कि दिव्यांग है, लेकिन इससे इनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई और आज अंजना अपने पैरों से हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बनाती हैं। अंजना बताती हैं कि उनकी मुलाकात 2017 में एक टूरिस्ट से हुई थी, जिसके बाद ही उनकी जिंदगी में ये बदलाव आया और उन्होंने पेंटर बनने की ठानी। मैं पेंटिंग बनाना तो यहीं पे बैठे बैठे ही सीखी थी। कोई बाहर से आए थे, उनने मेरे को देखा था कि मैं पैर से राम नाम लिख रही हूँ, और उनने देखने के बाद मेरे को पूछ रहे हैं, तू पैर से पेन पकड़ के लिख रहे, पेंटिंग बना। मैंने कहा कैसे बनाओ, कह रहे आ जाएंगे कोशिश कर। दूसरा दिन उनने कलश वगैरह पेस्ट लेके आए थे और उनने अपने हाथ से बनाने स्टार्ट कर दिया था, और मेरे को भी बोल रहे तू भी स्टार्टिंग कर पैर से। तो मैंने उस समय से पैर से स्टार्टिंग किया था। अंजना अपने परिवार के लिए एकलौती कमाने वाली है। अंजना सैलानियों के दिए गए दान और अपनी पेंटिंग्स बेचकर घर चलाती हैं। उन्हें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। कभी भीख मांगना पसंद ही नहीं थी। जैसे अधिकतर लोग देखती हूँ हाथ पैर होती हुए भी हाथ फैला के घूमते हैं, मेरे को ये सब काम पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अपना मेहनत करके अपना गुजारा करूँ, तो मैं तब से ही मेहनत करके अपना गुजारा करती हूँ। तो 7-8 साल से ड्राइंग को पेंटिंग बनाते हैं, और पेंटिंग बहुत खूबसूरत बनाती हैं क्योंकि अब इनमें कला है, तो इसको सिखाया है किसी ने और उसके बाद से ये पेंटिंग बना रही है, तो आजीविका साधन बन गया इनका। मेहनत करती हैं, खुद भीख नहीं मांगती हैं और पेंटिंग देती हैं, फॉरेनर्स आते हैं तो गुजारा इनका हो रहा है, इसी से इन्होंने अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत अच्छे हैं ये, और ये अपनी मेहनत करते हैं और किसी के उस पे नहीं रहती हैं, अपने बलबूते पे ही सारा काम करती हैं, अपने आप ही सारा काम करती हैं, मैंने कई बार ही नहीं देखा है। ऋषिकेश की इस गली में बैठकर पेंटिंग बनाने वाली अंजना उन लोगों के लिए सच्ची प्रेरणा है जो चुनौतियों के सामने हार मान लेते हैं।